हेलो गाइस। तो गाइस कैसे हैं आपके हाल चाल? आई थिंक सब के सब बढ़िया और फर्स्ट क्लास होंगे। तो गाइस आज की हम बात करेंगे गाइस योयो हनी सिंह और चैन के बारे में। तो गाइस अगर आप चैन के को नहीं जानते हैं तो गाइस मैं आपको बता दूं कि ये एक पाकिस्तानी रैपर हैं जिन्होंने कल अपने इंस्टाग्राम पर लाइव आकर हनी सिंह के लिए गंदे गंदे शब्द का यूज किया और गंदी गंदी बातें कही हनी सिंह के लिए। तो गाइस पूरी कहानी ये है कि अभी हाल ही के अंदर जो है हनी सिंह ने जो है ताला अंजुम को फॉलो किया है। ताला अंजुम जो है पाकिस्तानी रैपर हैं और अभी ताला अंजुम ने भी जो है हनी सिंह को जो है फॉलो बैक कर लिया है और चैन के को लग रहा है कि हनी सिंह जो है ताला अंजुम के साथ है कोलैबोरेशन करने जा रहे हैं। और चैन के ने जो अपने लाइव अपने इंस्टाग्राम सेशन के अंदर उन्होंने हनी सिंह के लिए ये कहा कि वो जो है हनी सिंह जो है गंदे गंदे गाने गाता है, गंदे गंदे जो शराब के बारे में जो बातें करता है, लड़कियों के बारे में भला बुरा कहता है, लड़कियाँ होती हैं उन सॉन्ग के अंदर। हनी सिंह के अलावा उन्होंने बादशाह, रफ्तार और यहाँ तक कि भूमिया पांजी जो एक पाकिस्तानी रैपर है उनके बारे में उन्होंने भला बुरा कहा है। आपको तो कि उन्होंने तो जस्टिन बीबर तक को नहीं छोड़ा, जस्टिन बीबर को भी उन्होंने साथ ही साथ लपेट लिया। पर हनी सिंह के लिए उन्होंने बहुत कुछ कहा है। हनी सिंह को उन्होंने धमकी तक दे दी कि अगर उन्होंने किसी भी पाकिस्तानी रैपर्स के साथ या फिर किसी सिंगर के साथ कोलैबोरेशन किया तो वो उनके लिए डिस ट्रैक निकालेंगे। पर मैं गाइस आपको बता दूं कि ये एक छोटा मोटा रैपर है जिनकी पहचान सिर्फ पाकिस्तान में सिर्फ कुछ लोग ही जानते हैं। और गाइस हनी सिंह जो है इनकी जो मार्केट वैल्यू है वो कई गुना ज़्यादा है और एक नाम नहीं एक ब्रांड बन चुका है हनी सिंह। और जहाँ हनी सिंह के नाम लेने से जो इनको कई लोगों को फेम मिल जाती है वही जो है चैन के भी यही चाहते हैं कि उनको फेम मिल जाए, इसलिए जो है हनी सिंह का नाम ले रहे हैं और उनका हिसाब से जो है उनको लग रहा है कि कोई पाकिस्तानी रैपर के साथ कोलैबोरेशन करेंगे। और जो उन्होंने ताला अंजुम को फॉलो किया है वो उनके आर्टिस्ट होने के लिए फॉलो किया, उनको अच्छा लगा उनका रैप या फिर उनको अच्छा लगा उनका म्यूजिक, इसी वजह से जो है हनी सिंह ने उनको फॉलो किया। पर हनी सिंह ने इतना टाइम नहीं है कि वो किसी पाकिस्तानी रैपर के साथ कोलैबोरेशन करें। अभी तो उनके जो कोलैबोरेशन हुए हैं जैसे गुरंदावा के साथ या फिर अल्फा के साथ वो अभी पेंडिंग पड़े हैं। हनी सिंह के इतने बुरे दिन नहीं है कि वो किसी पाकिस्तानी रैपर के साथ कोलैबोरेशन करेंगे। आप जानते हैं कि चैन के क्यों कर रहा है, वो सिर्फ और सिर्फ अपने फेम के लिए कर रहा है क्योंकि हनी सिंह का अगर नाम लेने से उनके वीडियो वायरल होते हैं और उनका जो भी कुछ हाल भी अभी एल्बम भी आने वाला है और उसके प्रमोशन के लिए भी जो है हनी सिंह के लिए वो भला बुरा कह रहे हैं क्योंकि हनी सिंह का नाम लेंगे तो कई लोग उनको जानेंगे पहचानेंगे और चैन के का नाम सुनेंगे, तो इसलिए भी वो ये कर रहे हैं और सिर्फ फेम के लिए कर रहे हैं। पर हनी सिंह को ऐसी हरकत करने की जरूरत नहीं है। हनी सिंह ने ना कभी किसी के लिए डिस्ट्रैक्ट निकाला, ना किसी के लिए भला बुरा कहा है। हनी सिंह सिर्फ अपने काम पर विश्वास करते हैं और ये ऐसे छोटे मोटे लोग सिर्फ और सिर्फ भोंकने का काम करते हैं। तो अगर चैन के को जो है पूरा इग्नोर मानना है, आपको कोई भी आपको फेम नहीं देनी है, कहीं पर जाकर इनको इंस्टाग्राम पर नहीं देखना है, तो गाइस पूरा का पूरा आपको इग्नोर मारना है। तो गाइस आज के वीडियो में अगर आपको वीडियो चले गए तो गाइस प्लीज लाइक करना और गाइस अभी तक मतलब सब्सक्राइब नहीं किया है तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब करके पास बेल आइकन पर क्लिक करना। मिल जुड़े के साथ तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।